का हलवा एकदम असली बादाम के साथ, इसके लिए देसी घी। अब ये मैं इसके अंदर क्या डालने वाला हूँ, ये है बादाम। बादाम को सिर्फ ब्लेंडर के अंदर हमने घुमाया हुआ है और इसको कोसली ग्राइंड किया है। इसमें दो तरीके के बादाम मैंने मिलाए, नहीं किस्म तो एक ही है, आधे बादाम के छिलके निकाले हुए ब्लांच करके और जो आधे हैं वो छिलके के साथ ही। आप चाहें तो सबके छिलके निकाल सकते हैं, आप चाहें तो सबके छिलके रख भी सकते हैं। मैंने आधा आधा किया है। इस घी के अंदर ये बादाम और ये जो हलवा है इसे हम बनाएंगे दूध के साथ, और दूध को पहले से रिड्यूस करके रख लें आप। देखिए दूध जो है एक तरह से उसकी रबड़ी ही बनाई हुई है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ दूध लेकर उसे काढ़ काढ़ के उसे रिड्यूस कर लिया है। वैसे खोए से भी बहुत अच्छा बनता है ये हलवा। और अब इसके अंदर डालेंगे चीनी, इसी तरह से चीनी डाल देंगे। चीनी डालकर थोड़ा सा और भूनते हैं और ये जो चीनी है ये पिघलनी शुरू हो जाएगी इसके साथ साथ। अब देखिए ये गर्म होके ये कैसा सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि इसमें जो चीनी है वो अब काफ़ी पिघल गई है। अब बारी आती है आंच धीमे करने की और ये जो दूध लिया है हमने इसे डालते हैं इसके अंदर। ये दूध दिखता है क्या? जी हाँ, दूध को काफ़ी रिड्यूस किया है हमने धीमी आंच पर पका पका कर, इसकी रबड़ी जैसे बना दी है। और ये हलवे के अंदर अब ये जो बादाम का हलवा है इसमें से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, बादाम की खुशबू तो है ही, घी की खुशबू भी है, उसके साथ साथ जो दूध है थोड़ा थोड़ा कैरमलाइज होके जो उसका फ्लेवर है वो आ रहा है। और इस समय इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी गाढ़ी है, आप चाहें तो इसको और गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हलवा ठंडा होगा तो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। बस इसको इसी तरह से रखते हैं, आप गर्मा गर्म खाएं। ये जो हलवा है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो और ये गर्मा गर्म हलवा ढेर सारा बनाएं। गर्म करना हो बहुत सिंपल है, माइक्रोवेव में रख कर गर्म कर सकते हैं। बस मज़ेदार खूब सारे बादाम का हलवा। मखाने की खीर बनाते हैं। अब मखाने क्या होते हैं, इसकी खीर कैसे बना सकते हैं, बहुत जल्द।
पकने दें और फिर जब ये अच्छी गाढ़ी हो जाए खीर, तो इसको परोसें गर्मा गर्म या ठंडी ठंडी। मोहनथाल, ये जो मिठाई अपनी पसंद के इसके पीसेस बनाएं।